आज हम बनाएंगे थोड़े से चने दाल और थोड़े से आटे के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और नई तरीके की रेसिपी अगर आप भी समोसा कचौड़ी पकौड़ी के शौकीन हैं तो आज की ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए होने वाली है बहुत ही कम सामान में झटपट से बनने वाला हेल्दी सा नाश्ता है ये तो चलिए देर ना करते हुए आज की ये मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर आधा कप चना दाल को भिगो करके रख देंगे अगर ये रेसिपी आप सुबह बना रहे हैं तो इसे आप रात भर भिगो करके रख दीजिए वरना चना दाल तो आप गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भी भिगो देंगे तो आराम से ये भीग जाते हैं अब इसे हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे इसमें तीखेपन के लिए तीन हरी मिर्ची ऐड करेंगे ये तीखा कम है इसलिए मैंने तीन ऐड किया है आप कम भी ऐड कर सकते हैं इसी के साथ एक इंच अदरक का टुकड़ा और सात से आठ लहसुन की कलियां और इसे हमें बिना पानी डाले इस तरीके से दरदरा पेस्ट इसका तैयार कर लेना है तो इसे अब हम ट्रांसफर कर देंगे एक मिक्सिंग बोल में इसके बाद इसमें डालेंगे एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर साथ ही नमक स्वाद के अनुसार एक चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसी के साथ यहाँ पे एक चौथाई चम्मच के करीब ऐड कर देंगे काली मिर्चों का पाउडर आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और साथ ही एक बड़े साइज का मैंने प्याज लिया था जिसे इस तरीके से बीस से स्प्लिट कट कर लिया है मतलब बारीक बारीक कट कर लेंगे अब इसी के साथ हरा धनिया ऐड करेंगे और अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है तो बिल्कुल कम मसालों के साथ ये नाश्ता बन करके तैयार होता है और खाने में बहुत ही हेल्दी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार चटपटा बनता है अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा साबुत ज़ीरा भी ऐड करूँगी पहले भी आप ऐड कर सकते थे साबुत जीरा से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है तो इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे तो ये हमारी मज़ेदार सी टेस्टी सी स्टफिंग तैयार है तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में तो यहाँ पे मैंने लिया है चावल का आटा तो चावल का आटा बहुत ही आराम से आसानी से मार्केट में मिल जाता है अगर आपको नहीं मिलता है तो आप चावल के आटे की जगह पे गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं गेहूं के आटे को छान लीजिए और छान करके उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे मिला लेंगे और मिलाने के बाद यहाँ पर मैंने गर्म पानी लिया है तो गर्म पानी से ही हमें चावल के आटे को गूँथना है तो यदि आप गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नॉर्मल पानी से आप इसे गूँथ लीजिएगा अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे हम और मिलाते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठे नहीं हमें ऐड करना है चावल के आटे में बाइंडिंग बिल्कुल नहीं होती इस वजह से हमें इसे गर्म पानी से गूथना होता है ताकि ये अच्छे से पक भी जाए और बढ़िया से ये आपस में बाइंड भी होने लगे तो यहाँ पर लगभग तीन चौथाई कप पानी का इस्तेमाल किया है मैंने और इसे अब हम अच्छे से हाथों से मिला लेंगे ये अभी भी हल्का गर्म गर्म है तो गर्म में ही हमें इसे अच्छे से गूँथना है तो आप देख सकते हैं मैंने इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है अब इसमें हल्की सी बाइंडिंग के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे दो छोटा चम्मच गेहूँ का आटा तो गेहूँ का आटा यहाँ पर ज़रूर ऐड करिएगा वरना जब हम इसे बेलेंगे तो ये पूरी तरीके से फटने लगेगा मतलब इसमें जो बाइंडिंग होगी बढ़िया से नहीं होगी तो बेलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी तो थोड़ा सा आटा मिला करके हम इसे अच्छे से गूँथ लेंगे इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से गूथ लेंगे और इस तरीके से मैंने दो लोईस की कट कर ली है अब थोड़ा सा हमें सरफेस पे सूखा आटा डस कर लेना है और हल्के हाथों से बस इसे बेलते जाना है तो हर एक तरफ से हमें इसे घुमाते हुए ईवेंडी बेल लेना है तो यहाँ पे मैंने इसे बेल लिया है अब जो हमने स्टार्टिंग में चटपटी से स्टफिंग तैयार करी थी उसे हमें इसके ऊपर अच्छे से फैला लेना है तो हाथों से चम्मच से जैसे आपको सुविधा लगे उस तरीके से इसे फैला लीजिए और एक किनारों को उठाते हुए हमें इसे फोल्ड करते जाना है तो चूँकि हमने इसे चावल के आटे से बनाया है थोड़े से फटेंगे बस क्या करिएगा आप इसे सेट करते जाइएगा ताकि ये जो इसमें स्टफिंग हमने डाल कर रखी है वो स्टफिंग बाहर ना निकले इस तरीके से हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और साइड के एजेस को हमें दबा देना है ये देखिए इस तरीके से मैंने एक बना लिया है एक और मैं इस तरीके से बना लूँगी और इस तरीके की जाली वाली छन्नी को अच्छे से ग्रीस कर लीजिए और इसे दस मिनट के लिए बढ़िया सा स्टीम दे दीजिए तो बिल्कुल दस मिनट में ही ये पक करके तैयार हो जाएंगे इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे पकने में चावल का आटा है बहुत ही जल्दी ही पक जाते हैं तो यहाँ पे मैंने इसे बढ़िया से स्टीम कर लिया है और इसे ठंडा होने के बाद यहाँ पे निकाल लिया है अब इसके साइड्स को हम इस तरीके से कट कर लेंगे क्योंकि साइड में स्टफिंग कम होती है इसलिए मैंने यहाँ पे कट कर लिया है आप चाहे तो रहने भी दे सकते हैं और इसे मन मुताबिक पीसेस में हमें कट कर लेना है तो मैं यहाँ पे इसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर रही हूं आप चाहे तो छोटे पीसेस में पतले पतले स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं तो इसी तरीके से हम दोनों दोनों नाश्तों को कट कर लेंगे ये देख सकते हैं आप कितने बढ़िया स्प्रिंग्स बने हैं इसमें तो चलिए अब हम इसे बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने तेल गरम किया है आप इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं मतलब कम तेल में भी इसे तल सकते हैं तवे पे भी तल सकते हैं जैसा भी आपको सुविधा लगे और आप अगर चाहें तो इसे बिना तले भी इंजॉय कर सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ वो भी बिना तले ही बढ़िया लगता है बहुत ही हेल्दी तरीका है वो लेकिन इस तरीके से करने से थोड़ा सा क्रिस्पीनेस ऊपर जाता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है तो ये देखिए उलटते पलटते हुए हम इसे बढ़िया से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है एक से दो मिनट में ही ये बढ़िया से फ्राई हो जाते हैं हाई फ्लेम पर ही करना है और चावल का आटा है तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है तो ये देखिए इसी तरीके से हम बाकी के पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे तो बहुत ही इंस्टेंट झटपट बनने वाला ये नाश्ता है इसे बना करके आप बच्चों के टिफ़िन के लिए भी दे सकते हैं और बनाने के बाद आप इसे फ्रिज में रख करके के दो दिन तक आराम से खा भी सकते हैं तो लीजिए बन के तैयार है बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा चना दाल और चावल के आटे का बहुत ही झटपट इंस्टेंट सा नाश्ता जिसे खाने के बाद सभी आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने इसे बनाया कैसे बहुत ही टेस्टी बहुत ही जबरदस्त बन करके तैयार होता है और स्वाद इसका एकदम पूरी कचौड़ी और समोसे की तरह होता है इनफैक्ट मैं बोलूं तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया होता है अगर आप इस तरीके से बना करके एक बार खाएंगे तो बार बार खाना पसंद करेंगे तो चलिए मैं मिलती हूँ कल सुबह नौ बजे ठीक किसी तरीके की एक मज़ेदार और सिंपल रेसिपी के साथ टिल देन टेक केयर एंड बाय एंड डोंट फर्गेट टू तो सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग